सिविल लाइन थाना अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले से महिला से पुलिस ने 130 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद करने में पाई सफलता। महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही में जुटी पुलिस। सिविल लाइन थाना अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले में महिला से पुलिस ने 130 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद की। महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है पुलिस। सिविल लाइन पुलिस ने महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की बात अब कहने लगी है। अभी कुछ दिन पूर्व भी यहीं के कबाड़ी मोहल्ले से एक महिला के पास से लगभग 80 सीसी कप सिरप पुलिस ने बरामद की थी। जी हां, रीवा में सिविल लाइन पुलिस की कबाड़ी मोहल्ले में दबिश। मौके पर महिला के पास से 130 नशीली कप बरामद हुई। सिविल लाइन पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले में अचानक दबिश दी। इस दौरान सिविल लाइन पुलिस ने एक महिला के कब्जे से 130 नशीली कप सिरप बरामद करने में सफलता पाई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, कई दिनों से मुखबिर को सूचना प्राप्त हो रही थी कबाड़ी मोहल्ले में नशीली कप सिरप का कारोबार चल रहा है। वहीं मौके पर जब दबिश दी गई तब एक महिला के पास से करीब 130 सीसी नशीली कप सिरप बरामद की गई है। वहीं नशीली कप सिरप बेचने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कह रही है। रीवा का कबाड़ी मोहल्ला अवैध कारोबारियों के लिए मशहूर है। पुलिस यहां पर आए दिनों छापामारी करके कुछ न कुछ बरामद करती रहती है। इस इलाके में ज्यादातर अमूमन गांजा और कोरेक्स ही बिकता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई भी बराबर यहां पर होती रहती है, लेकिन इस इलाके के रहने वाले लोग इस अवैध कारोबार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसके लिए पुलिस ने काफी प्रयास किए। कबाड़ी मोहल्ले के लड़कों को तो छोड़िए, इस इलाके की महिलाएं इस तरीके के अवैध काले कारोबार में आगे नजर आती हैं। अभी पिछले दिनों कोरेक्स बेचने वाली एक महिला को पुलिस ने पकड़ा था। अब एक बार फिर पुलिस के जाल में एक महिला फंसी है। उसके पास से पुलिस ने 130 सीसी कोरेक्स बरामद करने में सफलता पाई है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है पुलिस। हमने इस बारे में सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा से बात की। उनका भी साफ तौर से कहना था, हमें काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी, हमने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया। पुख्ता सूचना के बाद हमने टीम बनाई। हमारी टीम ने कबाड़ी मोहल्ले में जाकर छापामारी की और एक महिला को पकड़ने में सफलता पाई है। उसके पास से 130 सीसी कप सिरप बरामद हुई है। अब हम उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करने जा रहे हैं। माना जा सकता है कबाड़ी मोहल्ले में ये कार्रवाई अभी एक दिन पहले ही, या यूं कहें बड़ी खेप नशीली कप सिरप की बरामद हुई थी। उसके बारे में भी चोराटा पुलिस ने 3000 सीसी बरामद की थी। उसके बारे में भी कहा जा रहा था यह खेप कबाड़ी मोहल्ले में जा रही थी। हालांकि पुलिस अभी इस बारे में कुछ नहीं बोल रही है। उस मामले में फिलहाल 130 सीसी की बात करिए। आइए आपको सुनाते हैं सिविल लाइन थाना प्रभारी इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। लगातार मुखबिर द्वारा सूचनाएं आ रही हैं कि कबाड़ी मोहल्ले में कोरेक्स और गांजे का कुछ अवैध कार्यक्रम चलता रहता है। सत्यापन में भी ऐसा पाया गया है कि कुछ लोग ऐसे व्यवसाय में आलिप्त हैं। आज सूचना मिली कि कबाड़ी मोहल्ला में गुड्डी लोनिया करके एक महिला है जो कि काफ़ी लंबे समय से कोरेक्स बेचने का काम कर रही है। आज भी उसके पास कुछ माल विक्रय करने की सूचना मिली थी, जिसमें टीम बना करके आर.एन. बागरी साहब के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमें गुड्डी लोनिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके कब्जे से 130 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद हुई है। उसमें एनडीपीएस के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई जारी है। पहले भी कई बार नशीली, हाँ, वहाँ पे लगातार सूचनाएँ आती हैं। अभी हाल ही में एक और महिला को लगभग 80-85 सीसी कोरेक्स के साथ गिरफ्तार कर भेजा गया है। लगातार ये कार्रवाई जारी है।